हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम, हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं बाहर एक मॉल में, जहां हम आपके दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं, आपसे मिलवाने के लिए आए हैं उन नए दोस्तों को जो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। बहुत सारी बातें करेंगे, अपनी ज़िंदगी से जुड़े किस्से और कहानियां हमारे साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कहां से ताल्लुक़ है, कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं, ज़िंदगी में क्या किया, ये सफ़र यहां तक कैसे पहुंचा और आगे के लिए क्या सोच के रखा है। तीन चीज़ें अगर हम बताएँ कि माजी, हाल और मुस्तकबिल, जीता इंसान किस में है। बहुत सारे लोग अपने माजी में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, कैसे वक्त के बारे में, जिसको ना तो किसी ने देखा है ना ही कोई उसके बारे में जान सकता है। बचा क्या? हमारा हाल, जिसे हम सब भूल जाते हैं। अपने हाल में जीना सीखिए, खुश रहना सीखिए। जो लोग अपने हाल में जीते हैं, खुश रहते हैं, वही कामयाब हैं और वही अपने मुस्तकबिल को भी अच्छा बना पाते हैं। प्यारी सी छोटी सी बात के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़, बढ़ेंगे ट्राइपॉड की जानिब जहाँ हम अपने कैमरे को फिक्स करेंगे और आपके दोस्त वहाँ पर खड़े आपके लिए मुंतजर हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शमीम हैदर। दोबारा बताइए। शमीम हैदर। शमीम हैदर, क्या करती हैं शमीम साहिबा? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं, आप कब से पढ़ा रही हैं? मुझे 5 साल हो गए। तरीन, आपने खुद क्या पढ़ा है? मैंने सोशियोलॉजी में MPhil किया है। सोशियोलॉजी में, और सोशियोलॉजी को उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में उसको कहेंगे हमदानियात, यानी ये हमारा सोशल नेटवर्क जो होता है ना, सोशल वर्क, उससे रिलेटेड है ये मेरा सब्जेक्ट। सोशल वर्क क्या है हमारा, इमरानियात का और सोशल वर्क का क्या ताल्लुक है? ये वेलफेयर में आता है ना, NGOs वगैरह के अंडर इसमें आता है। आपने यही सब्जेक्ट क्यों पढ़ा? मेरा मेजर ये था। तो मेजर सब्जेक्ट यही। आप हमेशा से उस्ताद बनना चाहती थी? नहीं। क्या बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरा मेरिट वक्त ने आपको उस्ताद बना दिया। आज भी दिल में ख्वाहिश है कि मैं अगर वक्त को वापस लेकर जा सकती तो मैं डॉक्टर बन जाती है। आज भी दिल में ये ख्वाहिश है। हर इंसान दुनिया में कोई ना कोई ख्वाहिश ही लेकर जी रहा है, चाहे कि वो उसके रिलेशनशिप ड्रीम्स हैं, भले कि उसके करियर से रिलेटेड कोई ख्वाहिश है या कोई ख्वाब जुड़ा है या कोई ऐसी बात है जो उसकी सेटलमेंट से जुड़ी है। सेम हाउ इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजर रही है और इसी के साथ ही जो है वो पिनअप रही है, बढ़ रही है, इसी से हम भी बढ़ते रहेंगे। अगर अब आपको मौका मिले कि आप पढ़ सकें, तो क्या आप चाहेंगे कि आप पढ़ें और आप डॉक्टर बन जाएं? 100% जरूर चाहेंगे। तेरे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, ये बच्चे जो आपके साथ हैं ये कौन है? एक मेरी भतीजी और एक भांजी है। भतीजी और भांजी है, सही हो गया। आपका क्या नाम है? ये बोलती नहीं। ओ, ये बोल नहीं सकती है, ठीक है, लेकिन बच्ची ये समझ सकती है, सुन भी सकती है। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। अब्रिश बताओ। अब्रिश। अब्रिश, गुड। आपका क्या नाम है? ज़रियाब फातिमा। ज़रियाब फातिमा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th। क्लास 7 में पढ़ती हैं, गुड, हो गया। शमीम, आप क्या कुछ शेर सुनाना चाहेंगी थ्रू कैमरा? आप तो उस्ताद हैं, तो उस्ताद को तो बड़ा लगाव होता है शायरी से और मुताला से। मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट शेर है कि जीने के उनके साथ बहाने चले गए, जीने के उनके साथ बहाने चले गए, वो उठकर यूं गए कि जमाने चले गए। जमाने चले गए, वो उठकर यूं गए, जमाने चले गए। डीप है। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुद नहीं देख सकती है लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाती है? रोशनी। रोशनी खुद नहीं देख सकती, वैसे रोशनी भी खुद नहीं देख सकती है। हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफिया। पूरा नाम बताइए। आफिया। आफिया बतूल। आफिया बतूल, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? मैं माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, ठीक हो गया है। 2 आपके साथ हैं और बाकी 2? 3 मेरे साथ हैं, एक बेटा मेरा अकेडमी में है। एक बच्चा अकेडमी में है, सुबह में स्कूल जाता है, शाम में अकेडमी में जाता है। यस। जो बच्चा एकेडमी में आपका जा रहा है, आप ये समझते हैं कि स्कूल भी जाना फिर उसके बाद एकेडमी में भी जाना, बच्चे बहुत ओवर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं? वैसे तो बेहतर ही है स्कूल एकेडमी, अब आजकल का जो माहौल है बच्चों को तो फायदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। माहौल तो वही होता है जो आप घर में देते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन घर के अलावा जो बाहर की सूरत हाल है आजकल के बच्चों को तो, और घर तो ठीक लेकिन एकेडमी भी सेफ जगह है। ठीक हो गया। क्या आप पकाती हैं, क्या बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, हेल्थ फूड क्या होता है आपका? हेल्थ फूड तो हो सकते हैं, फ्रूट्स ही हैं हेल्थ में। फ्रूट तो बनी बनाई चीज़ है ना, खाने में
मतलब ठीक है वो भी आप बच्चों को जरूर देती होंगी, लेकिन हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी गजा दे जो उसकी नशोनुमा में हेल्पफुल हो, मददगार साबित हो, आपके बच्चे आसाबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, अच्छे हों। आजकल की तो खाने इस तरह के हो चुके हुए हैं कि हम गजाओं पर इसार कर ही नहीं सकते जो हम रोज़मर्रा ले रहे हैं। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको ज़रूर देना और बनाना पड़ता है, जैसे कि हमारी माएँ देती थी, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ हमारे लिए बनाया करती थी। आप भी कुछ ऐसा करती हैं अपने बच्चों के लिए? नानी दादी वाला का तो अब दौर नहीं है, और आकर तो गोश्त में तो चिकन ही चलता है, हर चीज़ की चिकन में ही बनती है, ना मटर ना बीफ कुछ भी नहीं खाते। और आप बस वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप नहीं बनाती हैं? नहीं बनाते हैं, हम शेफ भी हैं, ये भी आपको बता दें। अच्छा, बच्चे नहीं खाते हैं? नहीं, बच्चे तो बच्चों को तो जिस चीज़ की आदत डाली जाएगी ना, बच्चे तो वही खाएंगे। अगर हम भी तो खाते थे, हमारे लिए तो चिकन बिल्कुल एक अजनबी सी चीज़ होती थी, हमें समझ नहीं आता था कि चिकन की हम कैसे हम इसको खाएंगे या क्या होता है। मतलब हर किसी का अपना होता है। हमने क्योंकि जाहिर है अगर पेरेंट्स आपको जो चीज़ दे रहे हैं आपके घर में, जो गिजाएँ आपको आपकी माया बनाकर दे रही हैं, बच्चे तो उसके यूज़ टू होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हमारा काम इस तरह का है, हमारा खुआन है तो हमारे पास ये कुछ बिरयानी, चिकन, कौरमा, ये कुछ ही चलता है आजकल तो। वैसे अभी सभी घरों में ज़्यादा चिकन चलता है, लेकिन समा हर तरह का मीट बच्चों को देना चाहिए क्योंकि रेड मीट की अपनी एक अफादियत है बच्चों के लिए, वो भी ज़रूरी है। थोड़ा अगर आप आगे हो जाएं, मुझे गर्दन पीछे तक घुमानी पड़ रही है, थोड़ा आगे हो जाइए, ऐसे सही हो गया। अच्छा, आज क्या पकाया अपने बच्चों के लिए? मैंने आज मटन और कीमा, सॉरी आज और आलू, मटर और आलू, मटन और आलू। अच्छा, देखे ना ये बात, ये चीज़ तो चिकन की तो बात आप कर रहे थे, लेकिन आज तो आपने मटन बनाया, रेड को चिकन ही है, ब्लैक चिकन पसंद उनको, चिकन ही है, चिकन ही है। फिर आज कैसे बच्चों को कन्विंस किया कि खा लो? आज उनकी फूफू आई थी, स्पेशल डिश उनके लिए बनाई है, तो फूफू की वजह से बच्चों ने खा लिया, या बच्चों ने कहा कि नहीं हमने नहीं खाना? आके पता चलेगा, फिलहाल तो पका के रखा ही हूं। पका के रख के आ गई आप, ठीक हो गया। अच्छा, कैसे पकाया, शेयर करेंगी रेसिपी? ये तो अब कैसे रेसिपी, मसाले सारे डाल देते हैं इकट्ठे ही, उसको बुनाई करके आलू डाल दो, थोड़ा सा बस पक जाते हैं, पानी डाल के जितना आपको अच्छा लगे। ना आपको अच्छा लगे? बच्चों को कितना अच्छा लगता है? वाला लेना है ये लंबे शोरबे। अच्छा, बड़ा इनका मुनफरिद अंदाज है बताने का, लंबे शोरबे वाला कुछ होना चाहिए डिफरेंट। हाँ, ये भी डिफरेंट होना चाहिए। तो खैर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा बनाया होगा, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मज़ेदार ही बनाया होगा, बहुत अच्छा है। आपके हाथ में जायका भी है क्योंकि हम शेफ भी हैं, मेरा मियाँ शेफ। अच्छा, तो आपके मियाँ तो शेफ हैं, तो क्या आपके मियाँ भी आपको रेसिपी सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इसको ऐसे बनाएं, इसको ऐसे बनाएं? आप जो मुश्किल हो पे वो बताते रहते हैं। सिंधी बिरयानी। अच्छा, आप पंजाबी हैं या आप सिंधी हैं? आप पंजाबी हैं। और आपके हस्बैंड? वो भी पंजाबी हैं। आपके हस्बैंड शुरू से ही कलनरी में थे या कुछ और काम भी करते थे? नहीं, शुरू में कुकिंग में, शुरू से ही कुकिंग में है। और उन्होंने पढ़ा भी यही और उन्होंने फिर काम भी यही किया? हाँ जी, एफए करके फिर कुकिंग में चले गए। गुड हो गया। बच्चों का रुझान किस तरफ है? अभी तो बच्चे फिलहाल तो अभी नहीं पता इनका, अभी नहीं पता, बड़े होंगे तो पता चलेगा। चले आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, अब जानवर ऐसा है कि उसके हाथ हैं, उंगलियां हैं, लेकिन नाखून नहीं है, रखता है, आपको समझ में आ रहा है? मम्मा को समझ में नहीं आ रहा? पक्की बात है? ये बात हमारे अल्फाज हर चीज का जवाब जानते हैं। बेटा, एक छोटा सा गिफ्ट टेंपर को हमने शो याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मार्केट प्लेस है और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए मुंतजर हैं, इसलिए हमारे आसपास रहिएगा। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहा है आपके बहुत सारे अमेजिंग नए दोस्तों से, जो आपसे मिलने के लिए ब्रेक खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, और सबसे ज्यादा तो मैं खत्म होने का इंतजार कर रही थी क्योंकि आपके दोस्त इतने अमेजिंग है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात करवाई जाए। तो आए हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अली अहमदा। क्या करते हैं आप? कारपेंटर। कारपेंटर, फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए। क्या काम होता है आपका फर्नीचर का?
अलमारियाँ वगैरह, बेड वगैरह, शोकेस वगैरह, ये चीज़ें बनाता हूँ। बनाना है? कैसे बनाते हैं? लकड़ी का काम करते हैं, पॉलिश करते हैं, डिज़ाइन करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं। क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं। क्या होता है लकड़ी का काम? लकड़ी का काम जोड़ना होता है, सारा माल जोड़ना है, जोड़ना बेड। आपको उन चीज़ों को इंस्टॉल करना है, आपस में मिलाना है उन टुकड़ों को जो डिज़ाइन कर, काट के डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर कौन सा मरहला आता है? फिर उसके बाद पॉलिश का आता है। पॉलिश होती है जी। पहले तो उसको नरम किया जाता है, उसको उसकी हमवार सतह की जाती है, उसके बाद फिर उसकी डिफरेंट तरह की कोटिंग होती है। ऐसे ही है। जो आप काम करते हैं वो कितना मेहनत तलब है, कितनी उसमें रिक्वायर्ड है आपकी मश्क, आपकी दिलचस्पी, आपकी इनपुट, आपकी एनर्जी? बहुत ज़्यादा है। सारा कितने घंटों का काम है? वो अपनी हिम्मत पे करना पड़ता है, खुद का काम है, जितनी मर्जी देर कर, जितना मर्जी कर लो, उसी हिसाब से आपको मिलेगा पैसा। अच्छा, ये डेली वेजेस हैं या आपकी सैलरी मंथली? डेली वेजेस। डेली वेजेस है, डेली जितने घंटे काम किए उतने घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। हमारी खुद की शॉप है। आपकी अपनी शॉप है? कौन कौन आपकी शॉप पे आपके साथ काम कर रहा है? मैं हूं, मेरे वाले साहब। आप और आपके वाले साहब? कोई और भाई भी है, कजन है, चाचा है? नहीं, और कोई नहीं। आप दोनों मिलके काम कर रहे? वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब भी है मैडम, बाजाहिर है आपके साथ होते हैं, लेकिन वाले साहब उस काम में क्या काम करते हैं? उन्होंने लकड़ी के काम में ना, उन्होंने कटाई करनी होती है, जोड़ना मेरा काम। कहाँ से मंगवाते? शॉप से, लोकल जो शॉपें होती हैं इधर, नॉर्मली उनसे ले लेते हैं। लेकिन मैं एक लकड़ी फर्नीचर साज से बात कर रही हूँ ना, तो फर्नीचर साज मुझे अपने हिसाब से बात करेगा। ये जवाब तो एक रेंडम भी आदमी दे सकता है कि लकड़ी की दुकान से, ये तो मुझे भी पता है सारे लकड़ी की, लेकिन कौन सी लकड़ी है, किस किस्म की लकड़ी की दुकानों से मंगवाते हैं आप, ये बताइए ना। चीपबोर्ड की शीट होती है वो मंगवाते हैं। कौन से काम करते हैं? खास किस्म की लकड़ी भी तो होती है ना, आम की लकड़ी भी है, चीड़ की लकड़ी है। लकड़ी का काम नहीं, हम चीपबोर्ड का काम करते हैं ज़्यादा। चिपबोर्ड का काम करते हैं आप लोग? तो चिपबोर्ड का काम तो इतना पायदार नहीं है। हाँ जी, वो तो होता है, लेकिन क्या, लेकिन कस्टमर की डिमांड है, जाहिर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको आपने चिपबोर्ड का सामान देना है, या ऑफिस में भी इसी तरह का फर्नीचर इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल्स में और इदारों में जहाँ पर फर्नीचर की जो है वो शफलिंग बहुत फ्रीक्वेंट होती है, हर साल फर्नीचर बदल दिया जाता है, या चार पाँच साल बाद बदल देना होता है, या उनके पास इतना बजट नहीं है। अब असल में पता क्या बात है, अभी जो भी काम है ना, दो नंबर ही हो रहा है। क्लाइंट कौन सा है आपका? क्लाइंट कौन है, डोमेस्टिक है आपका, कमर्शियल है? क्लाइंट कमर्शियल क्लाइंट है ना, ज़ाहिर है, क्योंकि अगर घरों के लिए कोई बनवाएगा तो वो तो चाहेगा कि मैं पायदार लकड़ी का फर्नीचर बना के घर लेकर जाऊँ। लेकिन आजकल फैशन कुछ भी कहते हैं, कुछ भी दे दो, बस चमकता दमकता होना चाहिए, उसको चीज अच्छी मिलनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि इसमें दो नंबरी हो रही है, क्या लग रहा है। लोग नहीं अब सोचते, ये नहीं। पहले लोग सोचते थे, पहले सोचते, लेकिन आप तो जरूर अपने घर के लिए अच्छा ही लेकर जाते होंगे। जरूर बेहतरीन, ऐसे जाहिर है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छी चीज लेकर जाए। हमें कुछ सुनाएंगे आप, कोई शेर, कोई गाना दोस्तों को? शेर सुना दूं, पंजाबी का शेर है, छड रन्ना दी यारी नू एते दो दो यार बना लेंदियां, एते खून जिगड़दा पी लेंदियां, एते हत्थी यार मरवा देंदियां, बंदा अकेया सड़िया छड भी देवे, फुल तवीत कड़ा देंदियां, रन्ना होन इसलिए नस्ल दियां, बुल्ले शाह जिया पीर नचा देंदियां। गुड, करेंगे सवाल, लच्छी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं, तो सवाल गौर से सुनिए। एक काम ऐसा है, खाना खाते वक्त आप नहीं करते, सांस जी। खाने और चबाने में क्या फर्क है? चबाने में यही है कि दांत से चबाते हैं। सीधी सी बात है, दांत से चबाते हैं। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट टेंपर है, आपको याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटा आपका? इजाज अहमद। आप क्या करते हैं? मैं सेल्समैन हूँ। आप सेल्समैन हैं, आप पढ़ते भी हैं? मैंने छोड़ दी है पढ़ के ना। आपने पढ़ाई छोड़ दी? जी जी। कब छोड़ी थी आप? 2020 में। क्यों छोड़ी? वैसे वाले साहब फौत हो गए थे, इसलिए फिर पढ़ाई। आप काम कर रहे? जी जी। अब क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? आप गाना सुना। सुनाइए। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में
चांद सी दुल्हन, फलक पर जमीन से फलक पर परी आ गई है। बस बस, वैसे तो आज दुल्हन आप भी बने हुए हैं। करेंगे एक सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं, सवाल गौर से सुनिए। मुझे ये बताइए, एक फल ऐसा है जिसके नाम पर एक जानवर का नाम भी है, या हो सकता है उस जानवर के नाम पर उस फल का नाम हो और वो उस मुल्क में पाया जाता हो। और सवाल कर लें, मुझे ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? लाहौर का है। की बात है ना? जी जी। ये बात हम और आपकी जानिब से आपके लिए गिफ्ट एम्पर है। थैंक यू। हमारा एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने का वक्त है, और इस छोटे से वैक्यूम में आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे आसपास रहिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जदों दा तेरे नैना विच तकिया इक नूर जे आए, जदों दा तेरे नैना विच तकिया। वेलकम बैक। हम और आप, आपको आपके अमेजिंग नए दोस्तों से मिलवा रहा है, और मैंने आपके बहुत सारे दोस्तों को ट्राइपॉड के पास खड़ा किया हुआ है। घूमते फिरते हम वहीं पर चल रहे हैं, वहीं बढ़ रहे हैं उस सिस्टम जहां आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए तैयार खड़े हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अली। अली, मुझे पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रमजान अली। वैसे बेसिकली रमजान अली। तो आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी बेसिकली शुरू से लाहौर से। अच्छा, आप हर बात पे बेसिकली बड़ा बोलते हैं। अभी तो आपसे बात की है। दोबारा बोल चुके हैं। चले अब नहीं बोलता। गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, लाहौर से ताल्लुक है, क्या देखा क्या सीखा जिंदगी से, जमाने से, वक्त से, लाहौर से? सबसे पहले तो लाहौर की ये प्लेसेस वगैरह जो मशहूर है वो देखी, और ज़िंदगी से ये सीखा कि ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, खासकर मर्द की ज़िंदगी में बहुत। वैसे औरत की ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं है, मर्द की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं? नहीं, औरत की ज़िंदगी में है लेकिन मर्द की ज़िंदगी में ज़्यादा है। कैसे? मर्द की ना जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, और ये है कि उसको अपने हम तो आज के दौर में देखते हैं कि ख़वातीन भी, गर्ल्स भी, आपकी बहनें हैं, आपने भी देखा होगा क्योंकि बहनें भी उसी तरह से पढ़ रही होंगी, उसी तरह स्ट्रगल कर रही होंगी, स्किल्स सीख रही होंगी जैसे कि आप सीख रहे हैं। भले कि थोड़ा सा फ़र्क होगा कि आप बाहर जाते होंगे, ज़्यादा आपको हॉप करना पड़ता होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हो सकता है आपकी बहनें इतना जगहों से एक जगह से दूसरी जगह ना इतना उनकी मोबिलिटी हो, लेकिन समा उनकी स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में उसी तरह ही होगी, आपसे कम नहीं होगी। जी ऐसा है तो है, लेकिन मैं मर्द की ज़िंदगी ऐसे मर्द आप समझते हैं कि हमारे माशरे में एक इंसान पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज्यादा होती हैं। आप पे भी जिम्मेदारियाँ हैं? बहुत ज्यादा। कौन सी जिम्मेदारियाँ आखिर आप पर? घरेलू सारी जिम्मेदारियाँ। बताएंगे, हमें बताएंगे तो पता चलेगा, हमें नहीं पता कौन सी घरेलू सारी जिम्मेदारियाँ। घरेलू का आपको पता है, जैसे खाने वगैरह की परेशानी, बिल और ओवर रेंट। सारी परेशानियाँ आपने ले ली हैं? मैंने ले ली है। क्यों, ऐसा क्यों है? अब देखें, घर के बड़ा हूँ तो सारी जिम्मेदारियाँ। आप बड़े हैं, बाकी बहन भाई छोटे हैं? जी दो बड़े थे, उनकी शादी। बताएंगे आपके वालिद साहब क्या करते हैं? जी वालिद साहब पहले तो ठीक थे, जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद उन्हें ना जॉब से फ्री कर दिया। तो उसके बाद कंपनी ने उनको जवाब दे दिया? नहीं, हमने खुद ही उन्हें फ्री कर दिया। आप लोगों ने कहा कि नहीं अब आप काम ना कीजिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद से फिर अली आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी? जी पढ़ाई छोड़ दी है, मैट्रिक की है, उसके बाद पढ़ाई के मैं मसलन के समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, कितने घंटे आप काम करते हैं और क्या काम करते हैं, बताएंगे हमें? मैं द्रास में काम करता हूँ एज ए कोरियर। कब से कर रहे हैं? जी मुझे 2 साल हो गए हैं। तो आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट 2 साल पहले हुआ था? जी 2 साल पहले ही हुआ था। यही से पहले आप पढ़ रहे थे? इससे पहले मैं पढ़ रहा था, अभी मैट्रिक के इम्तिहान। उसके बाद आपने पढ़ना ही था? पढ़ना ही था, बेसिकली पढ़ना ही था, लेकिन वो फिर आपको पता है, आपको जाहिर है, जाहिर है, बिल्कुल आपकी मजबूरी सामने है, इसमें तो सफाई बनती ही नहीं है। बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल वाज है कि अगर वालिद साहब इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो काम कर सकें, या उन्हें तकलीफ है, वो उन्हें दुश्वारी है, तो बेटा होने के नाते ये हैं जनाब हमारे वो नौजवान, हमारे वो यंगस्टर्स, हमारे बच्चे हैं ये, कि जो अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जब मैं इस वजाहत में जाती हूँ कि आप ये बताइए कि आखिर कौन सी ऐसी जिम्मेदारियाँ थी जिनकी वजह से आपको घर के अखराजात और घर को संभालना और देखना पड़ गया,
वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ, वाले साहब के एक्सीडेंट के बाद बड़ा बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारियाँ उठानी थी, बहनों की जिम्मेदारियाँ, छोटे बहन भाई हैं, वालिदा भी हैं, अखराजात पूरे करने हैं, बिल्स देने हैं। अब जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी टफ टाइम मुशक्कत जी, कश्मकश बहुत ज़्यादा। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग अभी तो पता नहीं चल रहा, ऊपर से मुल्क के हालात डाउन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो। करना क्या है फिर? हालात तो कभी बेहतर होंगे ही नहीं, आप सोचते ज़रूर हैं, कहते हैं कि भले के बारे में सोचो तो भला ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। वो तो हम कर रहे हैं, तभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वरना हिम्मत ना हार देते। बिल्कुल ऐसे ही है, कोशिश तो है स्ट्रगल करने की। कितने घंटे काम करते हैं आप? तकरीबन 14 से 16 घंटे। मोटरसाइकिल आपके पास अपनी है? जी मेरी अपनी है। कंपनी ने तो नहीं दी? नहीं नहीं कंपनी। फ्यूल का कितना खर्चा हो जाता है एक महीने का? फ्यूल का मुझे कुछ मिले खाने को या ना मिले 500-600 रुपया जो है ना बाइक आपको देना होता है रोज का? मुझे देना होता है। एक महीने का कितना खर्चा है बाइक का? मेरा बाइक का तकरीबन 20,000 का। 20,000 रुपये? और आप कमाते कितना है? मेरी बेसिक है 50 प्लस ही है। 50 प्लस ही है। तो आप समझते हैं कि बेहतर है? नहीं किसी सूरत नहीं। और पूरे दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 16 से 14 घंटे। हफ्ते के 7 दिन? हाँ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा काम। अल्लाह ताला हमारे ऐसे नौजवानों को, हमारे बच्चों को इनकी मदद करे और इनके लिए सहल करे मुश्किलात को। बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी जुड़ी है। क्यों अली जी? है उम्मीद तो है ना? उम्मीद तो है। अल्लाह सवाल करूँ फिर मैं अब? जी करें। सुनाएंगे कुछ शेर या कोई गाना? जी गाना सुना देता हूँ। सुनाएंगे? चले सुना दें फिर, आपसे फिर सवाल करते हैं। जदों दा तेरे नैना विच तकिया इक नूर जे आए, जदों दा तेरे नैना विच तकिया इक नूर जे आए, पीती भी नहीं फिर भी इक सरूर जे आए। क्या बात है अली, आप तो छा गए हैं। चलिए सवाल गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आप सवाल गौर से सुनेंगे तो ही जवाब समझ में आ सकेगा। देखते हैं आप किससे में रिडल है या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। एक परिंदा है अली, उसके नाम पर ना एक फ्रूट है और एक शू पॉलिश भी है। टीवी आया? टीवी देखा? क्या लगाया? तीनों में से बता दो। तुक्का ही लगाया वैसे तो, तुक्का ही लगाया है। चलें जनाब, हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट टेंपरेरी याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा होता है, लेकिन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे दोस्त रिफ्रेश होकर आ जाए। किसी ने कुछ खाना है, पीना है, कहीं उठना है, जाना है, आना है, लेकिन वहीं वापस आकर बैठना है जहाँ बैठ कर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। वेलकम बैक, आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ मैं, जहाँ वो आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कैमरे को हम फिक्स करेंगे ताकि हम आपके दोस्तों से बातचीत शुरू कर सकें और मैं अपना माइक अपने हाथ में ले लूं और गुफ्तगू को, फन को शुरू करें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूं। आप किस चीज की मार्केटिंग करते हैं? मैं स्नैक्स की कैटेगरी की मार्केटिंग। स्नैक्स की? जी। कौन से स्नैक्स की? मैं फ्रेंडशिप की, चिप्स वगैरह। फ्रेंडशिप के चिप्स बेचते हैं जी। आप किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं? किसी की भी कर रहा हूँ, अपना भी कारोबार से कर रहा हूँ। अपना क्या कारोबार है? अपना यही है कि होलसेल पे स्टॉक उठा लेता हूँ, फिर मार्केट में सेल कर लेता हूँ। कैसे कर रहे हैं? ये तकरीबन 5 साल से। 5 साल से। पढ़ा क्या है आपने? अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान नाम है ना आपका? रहीम। अब्दुलरहीम आपने पढ़ा क्या है? पढ़ा बस 9th क्लास तक गया था स्कूल में, उसके बाद स्कूल से दिल उठ गया था। उसके बाद स्कूल से दिल उठ गया? क्यों स्कूल से क्यों दिल उठ गया? बड़ा कारोबारी आदमी बन, बिजनेस पढ़ाई के बगैर बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं अगर मेहनत की जाए। पढ़ाई में क्यों नहीं मेहनत की फिर? पढ़ाई में मेहनत करने का, पाकिस्तान में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। ये तो जवाब दे रहे हैं आप, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। ये कहिए कि मेरा दिल नहीं था पढ़ने को। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, वो कह लें कि
मैट्रिक तक बच्चे को यही नहीं पता होता कि मैंने जाके थाने में अपनी दरख्वास्त कैसे लिखवानी है। सिर्फ तो बच्चा खुद भी सीख सकता है। मैं आपको बताता हूँ, वही सिर्फ हिस्ट्री की जो बातें होती हैं, ये हमारा ये शाही किला है, ये ऐसे खड़े हुई है जी, तो वो ऐसी वाली मतलब कोई नॉलेज की बंदे के काम की चीज़ जो बताने वाली होती है ना, वो बताए स्टडी में वो बताया जाएगी। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस बात से आपने क्या सीखा? मैंने इस बात से यही सीखा। चलिए, कुछ ऐसी चीज जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें। कुछ ऐसी चीज ये है कि शायरी, कोई गाना जो आप सुनाना चाहें अपने दोस्तों को, उन्हें महसूस करने के लिए। गाना गाते हैं वैसे आप, ये बताएं? गा लेता होता हूं पार्ट टाइम। शायरी भी करते हैं? शायरी वगैरह नहीं करता, बस गाना गा लेता हूं। सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं अब्दुल रहीम आप? सोशल मीडिया पे बस टिकटॉक देख लेते हैं, जो काम की होती है। काम सीखते हैं आप टिकटॉक से? काम की, जो बंदे की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए होता है, कि जैसे वो मिसालें वगैरह देते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में ऐसा करें। आपको ऐसी बातें सुनना और देखना अच्छी लगती है जो आपकी ज़िंदगी में आपको बढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन दे रही हूँ? बिल्कुल। जो हमारी ज़िंदगी में काउंसलर नहीं है ना, हम कहते हैं कि हमारा कोई मेंटोर होना चाहिए, हमारा कोई रोल मॉडल होना चाहिए जो हमें इन्फ्लुएंस करें, हमें आगे बढ़ने में मदद दे। अपने इंसान के खुद से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं, आपसे बढ़ के कोई काउंसलर नहीं है। अपनी मर्जी से जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। आप तो गलत भी कर सकते हैं। गलती करके बंदा सीखते ही है ना, वो तो हमें गलती करना, नुकसान हो जाना, वो हमारे फायदे में। एक दफ़ा होगी आपको नेक्स्ट टाइम आइडिया होगा कि ज़िंदगी में आप कोई काम कर रहे होगे ना, आपको पता है यहाँ से मेरी गलती होती है तो मुझे नुकसान। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, वहाँ से बच जाऊँगा। ये तो सबक सिखाने के लिए आता है टाइम। जब किसी बड़ी मंजिल पे जाना हो ना, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें बंदे को सिखाती रहती है साथ साथ। दांतों की हिफाजत भी करेंगे। चलें, अब आप क्या सुनाएंगे? गाना सुना दूंगा आपको। सुनाइए। पुराना गाना है, फिर आपने बताना है कि वो किसका गाना है। ठीक है। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। नाइस, अमेजिंग है। तो बड़ा पुराना, वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते आजकल के नौजवान हमें नए गाने सुनाते गुनगुनाते मिलते हैं, और यहाँ हमें अब्दुल रहीम ने इतना पुराना गाना सुना दिया। अब सुना था, कहाँ सुना था जो ऐसा दिमाग में बैठ गया, दिल में बैठ गया? ये तकरीबन अब्बू वगैरह सुनते होते थे तो वो उनके पास बैठ के सुन लेता था। उसके बाद से जहन में रह गया? बस जहन में रह गया। और ये कुछ काफी पुरानी फिल्में ना बंदे को सिखाती भी हैं, तो इसलिए फिर रह गया। कॉन्टेंट सुनना और देखना पसंद है? बिल्कुल। वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग। आपकी बातों से भी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हर इंसान की कहानी, आज आपकी कहानी भी एक असर छोड़ेगी यकीनन देखने वालों को, सुनने वालों को। अब्दुल रहीम, हमारे प्रोग्राम में हम एक सवाल पूछते हैं, लेसी आपसे हम क्या सवाल पूछते हैं, रिडल या क्वेश्चन? सवाल आपने गौर से सुनना है ताकि आप जवाब तक पहुँच सकें। अगर सही जवाब तो टेम्पर देंगे, वरना नहीं देंगे। मुझे ये बताइए, जनरल नॉलेज का सवाल पूछूं या आपसे पहेली पूछूं? जैसा मर्जी पूछ ले, मेरा तो काम ही यही है। क्या काम है आपका? हर सवाल का जवाब देना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रावलपिंडी। गलत जवाब। इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सोच लीजिए, मैं आपको मौका देती हूँ। सवाल बदल सकते हैं, या आप इसी सवाल का जवाब देना चाहेंगे, या आप ऑप्शंस चाहेंगे? लाहौर। वेरी वेल डन। हम और आपकी जानिब से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। आने का वक्त हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वो सवाल जो आपके दोस्तों से आज पूछे गए। एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से पूछा था वो ये था कि वो कौन सा फ्रिज है जो बिजली से नहीं चलता मगर फिर भी ठंडा रहता है, और बड़े पुराने जमाने का फ्रिज है जो ठंडा रहता है, मट्टी का मटका, मटका मट्टी का ही होता है, और इसको जिसमें पानी भी लोग रखते थे, और जब तक रखते थे वो ठंडा ही रहता था। इसके अलावा एक और सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा गया कि वो कौन सा परिंदा है जिसके नाम का फ्रूट भी होता है। अब जिस परिंदे के नाम का फ्रूट है वो परिंदा है कीवी। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया, वो कौन सा काम है जो आदमी खाना खाते हुए नहीं कर सकता,
या तो खाना खा रहे होंगे और खाना करते खाना खाते हुए आप वो काम अगर ऑब्जर्व करें तो आप वो काम करना छोड़ देते हैं। और वो काम है सांस लेना, यानी कि जो ही आप किसी भी चीज़ को चबाना और खाना, इसमें फ़र्क है। चबाने की बात हमने नहीं की थी, हमने खाने की बात की थी। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आप कंफ्यूज ना हो और सिर्फ सवाल पे गौर करें तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन है। लाहौर का रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बहुत सारी यादें हमारे भी वाबस्ता है हमारे बचपन की, जिसमें आज भी हमें फ्लैशबैक होती हैं वो मेमोरीज जो हमने पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर गुजारी अपने वालिदैन के साथ सफ़र करते हुए ट्रेन में। और आज भी हम यादों को याद करके बहुत ही खुश होते हैं, महसूस होते हैं। सैमा, आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी जो जुड़ी होंगी इसी प्यारी सी बात के साथ और इसी प्यार मोहब्बत के साथ। अपने प्रोग्राम का हम यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, लेकिन सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा सिटी 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक, प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि हम आपको हमेशा से यही कहते हैं कि उन सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जिन्हें सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं पर कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे बात कीजिए, जो आप हमें कहना चाहते हैं वो हमें कन्वे कीजिए। हम हमेशा से आपकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, और उन जगहों पर भी हम आपसे ज़रूर मिलने के लिए आते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आएँ। तो अभी के लिए इजाज़त, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।